अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक सूजी का इंस्टेंट नाश्ता, आप इसे हांडवो भी कह सकते हैं। सूजी का हांडवो बनाना बहुत आसान है, बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ मिलकर ये नाश्ता बनता है तो काफ़ी हेल्दी होता है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। आप इस नाश्ते को ब्रेकफास्ट में तो बना ही सकते हैं, आप शाम को अगर हल्की फुल्की भूख लगती है तो अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक बाउल में ले लिया है 1 कप सूजी, सूजी यानी रवा, सेमोलिना कुछ भी कह सकते हैं आप, ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है। और यहाँ पे 1/2 कप मैंने ले लिया है दही, जितनी सूजी लेनी है उसका 1/2 आपको दही लेना है। 1 कप सूजी में 1/2 कप दही डालना है। सूजी अगर आपके पास बारीक ना हो तो आप मिक्सी में चला के थोड़ा सा बारीक कर लें। दही को अच्छी तरह से सूजी में मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल के इसको आप मिक्स कर लीजिए। और थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, तकरीबन इसमें 1 कप के करीब ही पानी लग जाएगा, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बैटर हमारा रेडी हो चुका है और इसे बनाने के लिए तकरीबन 1 कप पानी इसमें लग चुका है और बिल्कुल लम्स फ्री बैटर हमने तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी का रखना है। अब इसे हम रेस्ट करने के लिए रखना है। हम इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। सूजी है, सूजी फूलेगी, इसलिए थोड़े से टाइम के लिए इसे रखना पड़ेगा। तो हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही किचन काउंटर पर छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद ये देखिए सूजी हमारी फूल के तैयार हो गई है। और अब इसमें हम वेजिटेबल्स डालेंगे, तो जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हों आप वो डाल सकते हैं, या मैंने जो वेजिटेबल्स ली हैं उस तरह की वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए बारीक कटा हुआ गाजर लिया है मैंने, एक मीडियम साइज़ का, इसमें से हम ये गाजर डाल लेते हैं। इसके साथ ही मैंने ली है फूल गोभी, फूल गोभी को बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पे ये फ्रेंच बीन्स हैं, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पर ये मेरे पास है बारीक कटा हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज। तो सारी सब्ज़ियाँ तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर होंगी। और यहाँ पे शिमला मिर्च है बारीक कटा हुआ, 1 से 2 हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैं थोड़ी सी कम कर देती हूँ इसमें से। और 1 मुट्ठी के करीब ही हम इसमें हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो वो डाल लें, जो ना हो वो स्किप कर सकते हैं। इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं बीज निकाल के, आप इसमें बंद गोभी भी डाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो सब्ज़ियाँ वो डाल लें। मटर भी आप इसमें डाल सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर नमक डाल लिया, इसमें 1 से 1.5 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल लेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ, ये छोटी वाली चम्मच है इसलिए मैं इस छोटी चम्मच से 1.5 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच ही हम भुने हुए जीरे का पाउडर इसमें डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस रेसिपी में हमने बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से हमारी ये जो रेसिपी है काफ़ी हेल्दी है। सूजी से बना रहे हैं इसलिए भी हेल्दी है। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हमने 1 बड़ा चम्मच के करीब पानी डाल लिया है क्योंकि ये काफ़ी थिक लग रहा है। सब्जियाँ वगैरह मिक्स करने के बाद जो सूजी का बैटर काफ़ी थिक हो गया है, अब इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसे हल्का गाढ़ा ही रखना है। और अब इसमें हम डालेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट, अगर आपके पास इनो फ्रूट सॉल्ट नहीं है तो आप 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसे हमें ज़्यादा देर के लिए रखना नहीं है, इंस्टेंट ही हम इसे बना के तैयार करेंगे। जैसे ही आप इसमें सोडा डालेंगे या इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे बस आप इसको बनाना शुरू कर देंगे। तो बस मैंने दूसरी साइड पैन रख दिया है, मैं इसे देसी घी में बना रही हूँ, देसी घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। 2 चम्मच के करीब ऑयल या घी गरम कर लिया है मैंने इसमें। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी राई, 1/2 चम्मच के करीब इस तरह से फैलाएंगे। और थोड़े से हम डालेंगे करी पत्ता लीव, उसको मैंने बारीक काट लिया है, वो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा बैटर, तो बैटर हमें पूरा नहीं डालना है एक साथ, बैटर हम इसमें 1/2 डालेंगे। बैटर आपको कब डालना है, जब जो राई हमने डाली है वो चटकने लग जाएगी उसके बाद ही डालना है, ये देखिए इस तरह से। और इसको अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देंगे। चारों तरफ फैलाने के बाद हम इसे ढक के पकाएंगे, एक साइड से तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे लो फ्लेम पे।
तो हम इसे 12 मिनट के बाद चेक करते हैं। तो 12 मिनट हो गए हैं, एक बार मैं इसे चेक कर लेती हूँ। और ये देखिए हमारा जो हांडवो है या हमारा जो नाश्ता है वो बहुत अच्छे से पक चुका है नीचे की साइड से, तो हम इसे पलट लेते हैं। पलटने के लिए मैं यहाँ पे एक प्लेट ले रही हूँ, प्लेट को ऐसे हम रखेंगे पैन के ऊपर और इसको इस तरह से पलट लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है, एक साइड बहुत अच्छे से पक चुका है ये, और दूसरी साइड पकाने के लिए हम फिर से हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे या घी डालेंगे। मैं देसी घी में बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ उसमें, आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। तो 2 चम्मच के करीब डाल लेंगे और फिर से हम इसमें डालेंगे राई के दाने और थोड़े से बारीक कटे हुए करी लीव्स यानी करी पत्ता। राई के दानों को थोड़ा चटकने देंगे और उसके बाद फिर हम इसे पलट के दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। इस तरह से हम इसको पैन के अंदर डाल देंगे, बहुत ही आसानी से इस तरह से आप इसे पका सकते हैं दोनों साइड से। तो मैं इसको 10 मिनट के लिए और इस साइड से पका लेती हूँ। 10 से 12 मिनट में ये पक के तैयार हो जाता है, एक बार 10 मिनट में आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे हमें 10 से 12 मिनट लगे हैं, दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से पक चुका है ये। अब आप इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें और उसके बाद आप इसे सर्व करें, तो बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है ऊपर से और अंदर से बहुत सॉफ्ट रहता है ये, और खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो इसको हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं, आप इसे ठंडा करके कट करें। तो ये देखिए हमारा हांडवो बन के रेडी है। आप इसे इंस्टेंट सूजी का नाश्ता भी कह सकते हैं या आप इसे गुजराती सूजी का हांडवो कह सकते हैं। खाने में एकदम डिलीशियस होता है, झटपट बनने वाला है, बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। आप इस रेसिपी को एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।